नमस्कार, खबर इस समय कोपागंज से आ रही है। आपको बता दूं कि वेतन वृद्धि, ईपीएफ और अस्थाई करने को मांग को लेकर रोजगार सेवकों ने वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। आपको बताते चलें कि रोजगार सेवकों की मांग है कि उन्हें अस्थाई किया जाए और वेतन में वृद्धि भी किया जाए। और वहीं पर रोजगार सेवकों का कहना है कि ईपीएफ जो हमारे तनख्वाह से कटता है उसे खाते में भेजा जाए। रोजगार सेवकों ने बातचीत में बताया कि सरकार घोषणा तो कर चुकी है, वेतन वृद्धि को लेकर भी घोषणा की है, ईपीएफ को खाते में भेजने को लेकर भी घोषणा की है, अस्थाई करने की मांग की भी घोषणा की है, मगर अभी तक ना ही हमें अस्थाई किया गया ना ही वेतन वृद्धि की गई। इसी को लेकर वीडियो को ज्ञापन सौंपा। किस संदर्भ में आप लोग ज्ञापन सौंपे हैं? 4 अक्टूबर 2021 को हम लोग गए थे लखनऊ में, एक सम्मेलन आयोजित किया गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा, जो मनरेगा कर्मचारियों को जो है कि कई घोषणाएं की गई थी, जिसमें एक दो बिंदु की घोषणाओं को जो पूरा करके और जो घोषणाएं हैं अभी जो है कि पूरा नहीं की गई हैं, तो उसी के लिए हम लोगों ने जो है कि एक लिखित जो है मुख्यमंत्री जी को जो है यहाँ से भेज रहे हैं कि जो घोषणाएं उन्होंने की थी उसको जल्द से जल्द पूरा कराएं। कौन सी ऐसी घोषणाएं थी और कौन सी ऐसी पूरी नहीं की गई? वेतन संबंधी जो वृद्धि हुआ था उसको जो उन्होंने पूरा किया था, एचआर पॉलिसी थी और कोविड से अतिरिक्त आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु होने पर जो आश्रित सेवा जो मिलनी था वो सब तमाम, और ईपीएफ कटौती की धनराशि जो ईपीएफ कट रहा है लेकिन अभी तक जो है कि हम लोगों का उसका अकाउंट में नहीं जा रहा है, तो इस तरह से कई मांगे हैं। और जो राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त, अन्य निधियों से जो श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान मनरेगा से किया जाए, ये भी मांग हम लोगों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि सारा ग्राम सभा का मनरेगा का काम जो है और आवासीय जो भी आवास का काम होता है सारा काम हम ही लोग देखते हैं, तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि लिखित रूप से जो है कि हम लोगों को भी एक मिल जाए, जो कि मौखिक रूप से करने से ज़्यादा है कि लिखित रूप से मिल जाएगा तो हम लोगों को एक काम करने में जो है कि बहुत ही सहूलियत मिलेगी और